नमस्कार सभी को, मैं हूं सतीश पटेल और आप देख रहे हैं पटेल नर्सिंग एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नॉरसेट 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें कॉमनवेल्थ गेम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इम्पोर्टेंट हाईलाइट को इंक्लूड किया गया है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीन। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो सबसे आखिर में आया था और उसको अप्रूव करने वाला कौन सा कंट्री है, उसकी वैक्सीन को अप्रूव करने वाला? तो ऑप्शन है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम, जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को अप्रूव किया है। अगला क्वेश्चन है, ये है वाइस प्रेसिडेंट जिनका इलेक्शन हुआ था जुलाई में। अब प्रेसिडेंट तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट न्यूज़ में था, इसीलिए सभी को पता भी होता है, पर वाइस प्रेसिडेंट इनका नाम है जगदीप धाकड़ और फोटो से पूछ सकता है कि ये कौन है। ये अभी 14th वाइस प्रेसिडेंट है हमारे देश के। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये हमारे 15th प्रेसिडेंट है और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है। तो पहली कौन था? पहली महिला प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल थी। तो इनको भी पूछा जा सकता है, लगभग सभी को पता होगा, ये काफ़ी हाईलाइट में थे न्यूज़। अगला, इनके सामने, द्रौपदी मुर्मू जी के सामने यशवंत सिन्हा अपोजिट पार्टी से खड़े हुए थे और जो भारी वोट के बहुमत से जीते थे। इनका इलेक्शन में वोट था 6,76,000 अप्रोक्स और अपोजिट में 3,80,000 के अप्रोक्स वोट मिले थे यशवंत सिन्हा जी को। एक और हेल्थ फील्ड से क्वेश्चन है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री ने सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 स्कीम को अप्रूव किया था, इम्प्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो करेक्ट आंसर है इसका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें मेनली उनके न्यूट्रिशन के बारे में, तीन चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल एंड प्रेग्नेंट वुमेन के न्यूट्रिशन के बारे में मेनली फोकस किया गया है। तो इसका मिनिस्ट्री भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है, करेक्ट आंसर। एक और अगस्त के हाईलाइट न्यूज़ थी रिचेस्ट वुमेन ऑफ एशिया और ये है सावित्री जिंदल जी। ये चेयरपर्सन ऑफ ओपी जिंदल ग्रुप है, ग्रुप की हैं चेयरपर्सन और ये रिचेस्ट वुमेन ऑफ एशिया हैं। एक पूरे साल से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में थे गौतम अदानी जी, जो कि रिचेस्ट मैन ऑफ एशिया हैं और इसके साथ दुनिया के चौथे रईस आदमी हैं। तो कभी कभार इस तरीके का क्वेश्चन जो हमारे फील्ड से नहीं है पर पूछा जा सकता है। यह है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर और कोविड में इन्होंने बहुत सारा हमारे देश को कोविड के प्रिवेंशन के रिगार्डिंग, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि एक ये पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं। अब आते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। तो 2020-22 का जो कॉमनवेल्थ गेम था वो 22वां कॉमनवेल्थ गेम था। अब इस बार होस्ट कंट्री कौन था? इंग्लैंड, और इंग्लैंड के बर्मिंगम शहर में हुआ था। कब से कब हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन हुआ था। टोटल 72 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो इस पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था, जबकि इसके बाद वर्ल्ड वार हो गया, तो 1942 एंड 1946 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन नहीं हो पाया। इंडिया में आज तक सिर्फ एक बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है, वो है 2010 में, और उसी टाइम हम बहुत सारे मेडल लाए थे हमारे एथलीट्स, खिलाड़ी, और टोटल कंट्री वाइज देखे तो सेकंड पोजीशन पे रहे थे 101 मेडल्स के साथ।
यदि आपको ये कंटेंट पसंद आता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बने रहें, अभी कंटेंट है कुछ। अब हम देखते हैं कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम था, टोटल हमारा 101 मेडल के साथ हम सेकंड पोजीशन पे रहे थे, 38 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज थे, जबकि इस बार के 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 61 मेडल्स हमारे देश को मिले हैं, हमारे खिलाड़ी लाए हैं, और इसके साथ फोर्थ पोजीशन में कंट्री वाइज थे। ये हैं भाविना पटेल, और ये टेबल टेनिस खेलते हैं, पैरा ग्रुप से हैं, और इन्होंने हमारे देश को टेबल टेनिस के पैरा ग्रुप में गोल्ड मेडल दिलाया है। ये काफ़ी हाईलाइट में इसलिए भी हो सकते हैं, यदि आप ESI की तैयारी कर रहे हैं तो इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कि ESI के एम्प्लॉय भी हैं। इन्होंने टोक्यो के पैरालंपिक में भी मेडल देश को दिलाया है। यह है मीराबाई चानू, वेटलिफ्टिंग 49 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल लाए हैं, तो इनको फोटो से और नाम से पहचानना जरूरी है, बहुत देश के लिए अच्छा किया है और क्वेश्चन भी बन सकता है इन पे। जेरेमी लालरिनोंगा वेटलिफ्टिंग 67 कैटेगरीज में गोल्ड मेडल, ये हैं सुधीर जी, पैरा पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडल लाए हैं, बजरंग पुनिया रेसलिंग में गोल्ड मेडल लाए हैं, साक्षी मलिक रेसलिंग में गोल्ड मेडल लाए हैं, दीपक पुनिया रेसलिंग में गोल्ड मेडल लाए हैं, विनेश फोगाट रेसलिंग में गोल्ड मेडल लाए हैं। अब उन सभी 61 खिलाड़ियों को मेरे इक्वल रिस्पेक्ट है, बट उन सभी को यहाँ पर हाईलाइट करना पॉसिबल नहीं था। आई सैल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, बट यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब भी कभी कोई उसके आसपास क्वेश्चन बन रहा है तो आप एक बार फोटो भी देख सकते हैं, और किस फील्ड में उनका अपना स्पेशलिटी है, कि रेसलिंग है या कोई टेबल टेनिस है, कौन सा स्पोर्ट्स से वो मेडल जीते हैं, वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। दैट्स इट, हैव अ गुड डे।